गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो विषय मैं आपके साथ जिस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका मैंने एक हल्का सा सारांश अपने इस वीडियो में दे दिया है। देखिए, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजेपी और उससे जुड़ी संस्थाएं इस देश को एक गौ राष्ट्र बना देना चाहती हैं। वो चाहती है कि जनता जो है वो भेड़ या गाय बन जाए, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि भेड़ और गाय सवाल नहीं करते हैं। तो सवाल ये कि सवाल करता कौन है? सवाल करते हैं पत्रकार। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से जुड़ी सरकारें जो हैं कहीं ना कहीं उनको भी गौ बना देना चाहती है। तो आप जो है वो पूछेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये पढ़िए, माखनलाल टू ओपन गौशाला ऑन कैंपस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भोपाल स्थित जो माखनलाल यूनिवर्सिटी है, भोपाल स्थित जो माखनलाल यूनिवर्सिटी है वो अभी गौशाला खोलने वाली है। गौशाला खोलने वाली है जर्नलिज्म के कैंपस में। ये अगर आप पढ़ पा रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ गौशाला काउशेड, और इसके लिए पांच एकड़ जमीन जो है वो भी तय कर दी गई है। और ये काम जो है ये हो रहा है बीके कुठियाला जो वाइस चांसलर हैं। अब बीके कुठियाला साहब जो हैं उनका आरएसएस के साथ नाता रहा है और उनका ये कहना है कि मैं ये दूध जो है छात्रों को दूंगा। मुझे लगता है कि दिमाग तंदुरुस्त रहे और आप सही दिशा में सोच सकें, कुठियाला साहब, गाय की दूध की जरूरत सबसे ज्यादा आपको है। सवाल यहां पर यह कि हम एक पत्रकारिता के कैंपस में क्या कर रहे हैं? क्या हम इस देश को एक गौराष्ट्र बना देना चाहते हैं? और जैसे कि अरुण शौरी साहब ने कहा भी है कि बीजेपी इज कांग्रेस प्लस काउ, क्योंकि मैं ये जानता हूं कुठियाला साहब जो हैं उन्हें ज्यादा वक्त नहीं रह गया है रिटायरमेंट में। अब वो चाहते हैं कि जाते जाते वो ऐसी कोई वाहियात चीज करें जिसके चलते वो संघ में अपना मुकाम बना सके। तो कुठियाला साहब से मेरी गुजारिश है कि कुठियाला साहब, अगर आपको एक गौशाला बनानी है या गाय का दूध पीना है तो आपको एक गाय अपने घर में पालनी चाहिए। खबर यह भी ये कह रही है कि पत्रकार जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म कम्युनिकेशन के छात्र इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्योंकि देखिए, मुझे जो वहां से लेटर्स मिल रहे हैं, छात्रों ने जो मुद्दे उठाए हैं उसके हिसाब से वो मुझसे कह रहे हैं कि देखिए हमें बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है। हमारे पास न्यूज चैनल्स हम देखना चाहते हैं वो ठीक से हमें मौजूद नहीं है, तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। और ऐसे में गौशाला खोलना वाकई एक किस्म से पूरे चीज की मजाक इन लोगों ने बना दी है। और देखिए, मजाक सिर्फ अगर ये माखनलाल यूनिवर्सिटी तक सीमित होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं एक और मिसाल आपको देना चाहता हूं किस तरह से आईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कॉम, जो कि इस देश की सबसे बड़ी संस्था है पत्रकारिता की संस्था, उसने हाल ही में नए छात्रों के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। अरे साहब, आप एक घोड़ा भी छोड़ देते फिर वहां पर, आप यज्ञ तक क्यों सीमित रहे? आप घोड़ा भी छोड़ देना चाहिए था और जितने भी छात्र हैं पत्रकारिता के उन्हें दौड़ाना चाहिए था उस घोड़े के पीछे कि कौन जाके उस घोड़े को सबसे पहले पकड़ेगा, और जो सबसे पहले पकड़ेगा उसे आप उपाधि देते सबसे संस्कारी पत्रकार। मगर जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है? सबसे दुखद बात यह रही कि इस आयोजन में आईएमसी ने बस्तर के पूर्व आईजी एसआर कल्लूरी को बुलाया था। अब आप पूछेंगे एसआर कल्लूरी कौन है? एसआर कल्लूरी बस्तर के इतिहास के सबसे विवादास्पद आईजी हैं। एसआर कल्लूरी पर मानवाधिकार हनन के ढेरों आरोप लगे हैं।
उन्हें उनके पद से हटाना पड़ा था, वो इतने विवादास्पद हो गए हैं। उन्होंने एक पत्रकार को जेल इसलिए भेज दिया था क्योंकि उसने व्हाट्सएप पर उनके बारे में एक टिप्पणी की थी, और वो एक किस्म का एम्बैरेसमेंट रहे थे खुद छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। यह बात अलग है कि कल्लूरी साहब को आशीर्वाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा था, मगर वो एक के बाद एक एम्बैरेसमेंट हो गए थे। और ऐसे एसआर कल्लूरी को, जो पत्रकारों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, जिसके खिलाफ मानवाधिकार हनन का आरोप है, उसे आप आईएमसी जैसी इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं? मतलब ये हो क्या रहा है? आप इस देश में लोगों को भेड़ और गाय में बदल दीजिए, मगर पत्रकार जो सवाल पूछता है, क्या आप उसे भी गाय और भेड़ में बदल देना चाहते हैं? और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो मुझे वाकई दुखद तस्वीर है। ये देखिए, जब कल्लूरी आए थे तो ये देखिए, ये हैं आईएमसी के छात्र। इनमें होड़ देखिए किस तरह से कल्लूरी के साथ सेल्फीज खिंचवाने में लगे हैं। वाकई अगर ये छात्र मुझे मिल जाए तो मैं उनका कान मरोड़ के कहूंगा कि कल को तुम्हें मानवाधिकार से जुड़ी कहानी करनी हो, कल को तुम्हें मानवाधिकार से जुड़ी कहानी करनी हो तो तुम किस मुंह से, कल को अगर तुम्हें किसी व्यक्ति की आवाज बुलंद करनी हो तो तुम किस मुंह से ये स्टोरीज करोगे कि एसआर कल्लूरी के साथ तुम सेल्फी खिंचाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? देखिए, सवाल यह है कि चाहे आईएमसी हो, चाहे माखनलाल यूनिवर्सिटी हो, ये दोनों बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं। हम इसे किस चीज में तब्दील कर रहे हैं? हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन संस्थाओं को? यहां से पत्रकार निकलते हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या है? गौशाला? आपकी प्राथमिकताएं क्या है? एसआर कल्लूरी? बहुत दुखद स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है। कि अगर देखिए, हमारे मीडिया में मध्य प्रदेश से आने वाले बहुत से लोग हैं, मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि के ढेरों लोग हैं, मगर ये अगर हो रहा है वहां पे पत्रकारिता की पढ़ाई पे, तो इससे ज्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। अगर आईएमसी जैसी संस्था, एसआर कल्लूरी जैसे विवादास्पद शख्स जिस पर मानवाधिकार हनन के आरोप है, पढ़िए जरा कौन है एसआर कल्लूरी। आपसे मेरी गुजारिश है, यूट्यूब पर जाइए। मैंने खुद ने एक रिपोर्ट की थी, ऑपरेशन लाल जंगल, यूट्यूब पे जाइए, एबीपी न्यूज पर प्रसारित हो कार्यक्रम हुआ था, मेरी अपनी रिपोर्ट थी जिसके लिए मुझे रेड इंक अवार्ड मिला था, ऑपरेशन लाल जंगल एबीपी न्यूज। आपको समझ में आएगा कि इस शख्स के नेतृत्व में, एसआर कल्लूरी के नेतृत्व में, मानवाधिकार हनन के कितने मामले हुए थे। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, कि हम जानवर से मनुष्य बने हैं, हम जानवर से इंसान बने हैं, हम इंसान से जानवर नहीं बन सकते हैं। एक गाय दूध देती है, मगर आप यह उम्मीद करते हो कि आप इंसान को गाय बना दोगे तो वो इंसान दूध नहीं देगा, वो सिर्फ गोबर करेगा। इंसान को अगर आप गाय बनाओगे तो वो सिर्फ गोबर करेगा और उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। हर चीज की एक हद होती है, हर चीज का मजाक इस तरह से मत बनाइए। और हम जानते हैं कि बीजेपी का क्या रिकॉर्ड है गायों के रखरखाव के लिए। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, 300 गायों का नरसंहार, दो काउशेड से, दो गौशालाओं से 300 गायों का नरसंहार, और दोनों के ही मालिक बीजेपी के लीडर्स थे, एक कांकेड़ में और दूसरा शायद राजपुर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, राजपुर, और ये दोनों हुआ था छत्तीसगढ़ में। वाकई दुखद बात है कि आप इस देश को तो गौशाला बना ही रहे हैं, लोगों को भेड़ और गाय बना ही रहे हैं, अब आप पत्रकारों को भी गाय बनाने के फिराक में। और अंत में फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इंसान जानवर नहीं बन सकता, इंसान गाय नहीं बन सकता। गाय तो दूध दे सकती है, मगर इंसान दूध नहीं दे सकता, वो गोबर ही करेगा। आपकी जो टिप्पणियां आ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप लोग की अगर कोई राय है तो आप लोग मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, या फिर मेरे इस वीडियो लिंक को शेयर करके आप अपनी टिप्पणी ऊपर दे सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, शब खैर।